हाय गाइस, मैं राजकुमार सिंह और आप लोग लेसन वन का पार्ट टू देख रहे हैं। लेबर बीइंग बीइंग इन ए है। लार्ज सिटी, लेखक कह रहा है कि मैं कभी इतने बड़े शहर में नहीं गया था, एंड दिस रेदर और इस कारण ने एडेड टू माई माइजरी, मेरे कष्ट को बढ़ा दिया। वेन आई रिच्ड रिचमांड, जब मैं रिचमांड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरा पूरा धन समाप्त हो चुका था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, और उस शहर में मेरी एक भी जान पहचान नहीं थी। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, तथा शहर के रास्तों से अनजान होने के कारण, आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैं ठहरने के लिए अनेक स्थानों पर पूछा, बट दे ऑल वांटेड लेकिन मनी, वे सब पैसा मांगते थे। एंड दैट वॉज वॉट आई डिड नॉट हैव, और यह वही वस्तु थी जो मेरे पास नहीं थी। नोविंग नथिंग इल्स बेटर टू डू, नोविंग नथिंग इट्स बेटर टू डू, आई वॉक द स्ट्रीट, यहां से लेके मैं सड़कों पर चलता गया, क्योंकि मुझे इससे अच्छा उपाय समझ में नहीं आया। नोविंग नथिंग इट्स बेटर टू डू, क्योंकि मुझे इससे अच्छा उपाय समझ में नहीं आया। आगे लिख रहा है कि आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं अवश्य ही आधी रात के बाद तक सड़कों पर चलता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना, और अंत में मैं इतना थक गया दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, मैं अधिक नहीं चल सका। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरी थिंग, करा कि मैं सब कुछ था, बट डिस्करेज्ड, सिवाय साहस विहीन, या बोल सकते हैं हतोत्साहित। जस्ट अबाउट द टाइम वेन आई रीच्ड कल एग्जॉशन, स्टील करा कि ठीक जैसे ही मैं शारीरिक थकान की चरम सीमा पर पहुंचा, एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत ज्यादा या चरम बोलेंगे, आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट, मैं सड़क के एक ऐसे भाग पर पहुंचा वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली इलेवेटेड, जहां पे ब्रॉड मतलब हो जाएगा चौड़ा, साइड वॉक मतलब फुटपाथ, कंसीडरेबली मतलब पूरी तरह से इलेवेटेड मतलब उभरा हुआ था, यानी कि जहां पर चौड़ा फुटपाथ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय तक, कुछ मिनट तक मैंने वहां पे इंतजार किया, टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर्स बाय, पासर्स बाय मतलब होता है राहगीर, जब मैं निश्चिंत हो गया कि कोई राहगीर कुड सी मी मतलब मुझे नहीं देख सकता था, देन एंड देन क्रैप्ट अंडर द साइड वॉक, तब मैं फुटपाथ के नीचे केप्ट मतलब सरक गया, यानी कि तब मैं फुटपाथ के नीचे सरक गया, एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर लेट गया, ले मतलब लेट गया, विथ माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, और मैं अपने थैले को तकिया बना लिया, यानी कि मैंने अपने थैले को तकिया बना करके और पूरी रात जमीन पर सोया रहा। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, नियरली लगभग पूरी रात तक मुझे अपने सिर के ऊपर पैरों की आवाज सुनाई देती रही। आगे देखिए, लिखा है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, मैं अपने आप को समवॉट मतलब कुछ रिफ्रेश मतलब तरोताजा पाया,
बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। एज सून एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी माई सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आस पास के बारे में, यानी कि जब मैं अपने आस पास की चीजों को देख सकता था, यानी इतना प्रकाश हो गया कि जब मैं अपने आस पास की चीजों को देख सकता था। आई नोटिस दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, मैं ध्यान दिया कि मैं एक बड़े शिप का मतलब जलयान, मैं एक बड़े जलयान के पास था। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, ऐसा लग रहा था कि उस जलयान से पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा या ढलवा लोहा अनलोडिंग मतलब उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत उस वेसल मतलब जहाज के पास गया। एंड आस्क द कैप्टन, और उसका जो कप्तान था उसे कहा टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल, मैंने उसे कहा कि मुझे अनुमति दें कि मैं उस जहाज से अनलोड मतलब सामान को उतारने में सहायता करूं, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, ताकि मैं भोजन के लिए पैसे कमा सकूं। द कैप्टन ए व्हाइट मैन, उस जहाज का जो कप्तान था जो एक अंग्रेज लग रहा था, व्हाइट मैन का मतलब अंग्रेज, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो मुझे दयालु प्रतीत हुआ। कंसेंटेड मतलब मुझे अनुमति दे दिया। आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, आई वर्कड लॉन्ग इनफ मतलब मैं अपने नाश्ते के लिए पैसा कमाने के लिए बहुत देर तक काम किया। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा लगता है, एज आई रिमेम्बर इट नाउ, जब अब मैं उसे याद करता हूँ, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, करा है कि जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वह मेरी जिंदगी में खाया गया सबसे बढ़िया नाश्ता था। माई वर्क प्लीज द कैप्टन, मेरे काम से कप्तान बहुत प्रसन्न था। सो वेल, इतना प्रसन्न था कि दैट ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, मतलब मैं एक छोटी सी धनराशि पर लगातार काम कर सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, करा कि मैं भी बहुत खुश था, यानी कि मैं भी काम करने के लिए बहुत खुश हुआ। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल, मैं इस जलयान पर लगातार काम करता रहा फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों तक। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, कराइए अपनी छोटी सी मजदूरी में से भोजन खरीदने के पश्चात इतना नहीं बच पाता था कि जिससे मैं हैम्पटन पहुंच सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज, इकोनोमाइज का मतलब होता है पैसे की बचत करना। इन एवरी वे पॉसिबल मतलब हर तरह से, हर संभव प्रकार से बचत करने की भावना से। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइडवॉक, मैं फुटपाथ के नीचे ही सोना जारी रखा। When I had saved enough money with which to reach Hampton, जब मैंने इतना काफी धन बचा लिया कि मैं हैम्पटन जा सकूं, I thanked the captain, मैंने कप्तान को धन्यवाद दिया। Of the vessel मतलब जो जहाज कप्तान था, मैंने उसको धन्यवाद दिया for his kindness, उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और पुनः मैं रवाना हो गया।
विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस, अनयूजुअल का मतलब हो जाएगा बिना किसी असाधारण अकरेंस, मतलब घटना, बिना किसी असाधारण घटना के आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया विथ अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन। कराए कि मेरे पास अपनी शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए केवल 50 सेंट बचे हुए थे। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम्ड टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। करा कि जब पहली बार मैं उस 3-story ब्रिक स्कूल के यानी कि 3 मंजिला ईंट से बनी हुई बिल्डिंग को जब मैं देखा तो मुझे ऐसा लगा टू हैव रिवार्डेड मतलब मुझे पुरस्कृत किया गया है फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन जो कुछ भी मैंने अंडरगॉन मतलब सहा हुआ है इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस उस स्थान पर पहुंचने के लिए। द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी ए न्यू लाइफ उस दृश्य ने मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया।